हेलो व्यूअर्स, राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वह है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, भारत में बौद्ध धर्म का पतन। भारत में बौद्ध धर्म का जन्म ईसा से छठी शताब्दी पूर्व हुआ था। बौद्ध धर्म में कर्मकांडों की जगह नैतिकता और सदाचरण पर बल दिया गया था। इसी कारण से ज़्यादा लोग इस धर्म की ओर आकृष्ट हुए। जब तक बौद्ध धर्म के समर्थक सत्य के नियमों पर चलते रहे, उनकी निरंतर उन्नति होती रही और वह केवल भारत में ही नहीं बल्कि चाइना, जापान, लंका, अफगानिस्तान और साउथ ईस्ट एशिया के देशों तक फैल गया। अशोक जैसे महान सम्राट ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके अपने विशाल संसाधन इस कार्य में लगाकर बौद्ध धर्म को विश्वव्यापी बना दिया। 7वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म की लगातार प्रगति होती रही। उसके बाद धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो गया और अंत में 12वीं शताब्दी तक यह धर्म अपनी जन्मभूमि भारत से विलुप्त हो गया। इस संबंध में कुछ लोग इस मिसकॉन्सेप्ट का प्रचार कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म के पतन के लिए ब्राह्मण धर्म जिम्मेदार है या ब्राह्मणों ने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की। इस वीडियो के माध्यम से मेरी ये कोशिश है कि बौद्ध धर्म और ब्राह्मण या वैदिक धर्म के मध्य जो कटुता फैलाई जा रही है उसे दूर करने में यह वीडियो सहायक होगा और एक सामाजिक सद्भावपूर्ण मजबूत हिंदू समाज का निर्माण हो पाएगा। बौद्ध धर्म के पतन के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगी। इसमें पहला कारण है बौद्ध धर्म का विभिन्न संप्रदायों में विभाजित होना। कनिष्क के समय में यह धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान तथा महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। 5वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में विभक्त हो चुका था। इनमें हीनयान, महायान, वज्रयान तथा मांसांचिक प्रमुख हैं। संप्रदायवाद के कारण बौद्ध धर्म आंतरिक रूप से बहुत अधिक कमजोर हो गया था, जिसके पश्चात बौद्ध धर्म से लोगों की आस्था कम हो गई थी। महायानियों ने हिंदू धर्म की पूजा पद्धति एवं संस्कारों को अपना लिया तथा बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा प्रारंभ कर दी गई। भगवान बुद्ध तथा बोधिसत्वों की उपासना के लिए मंदिरों का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के बहुत अधिक निकट आ गया। सेकेंड कारण है संघ में भ्रष्टाचार एवं बौद्ध भिक्षुओं का विलासी जीवन। बौद्ध विहार एवं मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश होने से भ्रष्टाचार बढ़ गया तथा बौद्ध भिक्षुओं का चारित्रिक पतन हो गया। बौद्ध धर्म में नैतिकता का स्थान तंत्र मंत्र ने ग्रहण कर लिया। तांत्रिक भिक्षुओं के संप्रदाय को वज्रयान कहा गया। वे अपनी साधना में सुरा सुंदरी को प्रायोरिटी देने लगे। उनकी संख्या निरंतर बढ़ती गई जिससे बौद्ध धर्म का मूल स्वरूप ही नष्ट हो गया। 9वीं शताब्दी तक वज्रयान का खूब प्रचार हुआ और नालंदा उनके प्रचार का प्रमुख केंद्र बन गया। 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म तंत्रयान यानी वज्रयान के पूरी तरह प्रभाव में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है हिंदू धर्म का उत्थान। महात्मा बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म में ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं हुआ जो उसमें व्याप्त बुराइयों या कुरीतियों को दूर करके उसे सही दिशा दे सके। लेकिन दूसरी ओर हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, रामानुज जैसे महान आचार्यों का जन्म हुआ। उन्होंने हिंदू धर्म में मौजूद बुराइयों को दूर करने के लिए हिंदू धर्म की नए सिरे से व्याख्या की, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस धर्म की ओर आकर्षित हुए। महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 10वां अवतार मानकर हिंदू धर्म में अपनाया गया, जिसके कारण बहुत से बौद्धों ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। हिंदू धर्म ने एकीकरण के प्रयास द्वारा बौद्ध धर्म के समान सिद्धांतों, उसके नियमों तथा उसके व्यवहारों को अपने में समाहित कर लिया, जिसके पश्चात बौद्ध धर्म की जो नई और अलग पहचान थी वह समाप्त हो गई। अब वह हिंदू धर्म की छाया मात्र रह गया। बौद्ध धर्म के फॉलोअर धीरे धीरे हिंदू धर्म अपनाने लगे तथा बौद्धों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। इसके बाद नेक्स्ट बौद्ध धर्म के पतन का कारण है हूण तथा इस्लामिक आक्रमण। तुर्कों के बर्बर अटैक के सामने नैतिक एवं आचार की दृष्टि से शिथिल बौद्ध धर्म जनता में विश्वास नहीं जगा सका। जनता के लिए अहिंसा का अर्थ केवल अत्याचार सहन करना मात्र रह गया। तुर्कों ने बौद्ध मठों, विहारों तथा मंदिरों को नष्ट कर दिया। हिंदू धर्म के उपदेशकों ने लगातार अपनी शिक्षाओं तथा नैतिक एवं सदाचरण के द्वारा जनता के बीच आदर एवं सम्मान प्राप्त किया। यही कारण है कि हिंदू मंदिर का तो पुनर्निर्माण हो गया, लेकिन एक बार नष्ट हो जाने के बाद बौद्ध मठ एवं विहार खंडहर ही बनकर रह गए। उनका पुनर्निर्माण नहीं हो पाया। इन आक्रमणकारियों को यह विश्वास था कि बौद्ध संघों एवं मठों के पास अपार धन है,
इसलिए उन्होंने नालंदा के सुप्रसिद्ध विहार एवं यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया, जिससे बौद्ध धर्म को बहुत अधिक क्षति पहुंची। नैतिक दृष्टि से पतित एवं आर्थिक दृष्टि से शक्तिहीन बौद्ध भिक्षु मुसलमानों का सामना नहीं कर सके और वे भारत छोड़कर चले गए। इसके बाद नेक्स्ट कारण है मौर्य वंश की दुर्बलता एवं पुष्यमित्रों का उदय। जिस अखंड भारत की कल्पना आचार्य चाणक्य ने की थी वह उनकी मृत्यु के बाद धुंधली होने लगी थी। मौर्य वंश के शासक वैदिक धर्म के प्रति उदासीन होने लगे थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने आजीविक संप्रदाय से दीक्षा ली थी। उसके बाद सम्राट अशोक का पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में व्यतीत हुआ। जब भारत सीमा संकट से जूझ रहा था तब अशोक की अहिंसा नीति ने भारतवर्ष की वीरता पर गहरा आघात किया, क्योंकि विदेशी इन्वेडर ने इस आक्रमण के लिए इसको उपयुक्त समय मान रहे थे। मौर्य वंश के शासकों का दूसरे धर्मों की ओर झुकाव गलत नहीं था, क्योंकि यह उनका व्यक्तिगत विषय था, किंतु शासन तंत्र की सहायता से भारतवर्ष के सनातन धर्म या वैदिक धर्म को छीन करने का कार्य गलत था। बौद्ध धर्म राजधर्म होने के कारण जनता भी बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। इस प्रकार भारतवर्ष के वैदिक अस्तित्व पर बौद्ध पंथ की शिक्षाओं को लागू करना गलत था। मौर्य साम्राज्य निरंतर दुर्बल होता जा रहा था और यह प्रक्रिया मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ के शासनकाल में अपने चरम पर थी। इसी समय यह सूचना मिली कि ग्रीक शासक भारतवर्ष पर आक्रमण की योजना बना रहा है। पुष्यमित्र शुंग, जो बृहद्रथ का सेनानायक था, इस बात से बहुत दुखी था कि एक ओर शत्रु आक्रमण के लिए आगे बढ़ा चला आ रहा है और दूसरी ओर उसका सम्राट राज्य की रक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहा। पुष्यमित्र ने अपने लेवल पर प्रयास प्रारंभ किया। उसे गुप्तचरों से सूचना मिली कि ग्रीक सैनिक बौद्ध भिक्षुओं के वेश में मठों में छुपे हुए हैं और कुछ बौद्ध धर्मगुरु भी उनका सहयोग कर रहे हैं। इस सूचना के बाद पुष्यमित्र ने मठों की तलाशी की अनुमति मांगी, किंतु बृहद्रथ इसके लिए तैयार नहीं हुआ। फिर भी पुष्यमित्र ने अपने स्तर पर कार्रवाई की। उसने और उसके सैनिकों ने मठों में छिपे हुए शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस कार्रवाई में शत्रुओं को शरण देने वाले देशद्रोही बौद्ध भिक्षु भी शामिल थे, उनकी भी हत्या हुई। राजा बृहद्रथ पुष्यमित्र की इस कार्रवाई से नाराज हो गए। एक ओर शत्रु भारत विजय का सपना लेकर आगे बढ़ रहा था तो दूसरी ओर भारतवर्ष का सम्राट अपनी सीमाओं की सुरक्षा में लगे सेना नायक के संघर्ष में व्यस्त था। अंत में इस संघर्ष में पुष्यमित्र ने सम्राट की हत्या कर दी और सेना का पूर्ण समर्थन पुष्यमित्र को प्राप्त था। पुष्यमित्र को राजा घोषित कर दिया गया। इस प्रकार पुष्यमित्र ने एक अखंड भारत की नींव रखी, एक ऐसे अखंड भारत की जहां वैदिक सनातन धर्म अपनी मूल महानता की ओर लौटने लगा। बौद्ध पंथ की ओर से जा चुके हिंदू फिर से सनातन धर्म में लौटने लगे। नेक्स्ट कारण है राजकीय संरक्षण का अंत। बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण यह भी था कि उसे राज्य का आश्रय मिलना बंद हो गया था। कालांतर में बौद्ध धर्म राजधर्म नहीं रह पाया। बौद्धों एवं कुषाण राजवंशों के बाद बौद्धों की राजकीय सहायता एवं संरक्षण भी बंद हो गया। हर्ष तथा पाल राजाओं के पश्चात शेष सभी राजाओं ने वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की। इसके बाद है राजपूतों का अभ्युदय या इमरजेंस ऑफ राजपूत। राजपूतों का उदय ही बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। राजपूतों के अनुसार अहिंसा निष्क्रियता को जन्म देती है। उनकी युद्ध और शिकार में रुचि बौद्ध धर्म के अहिंसा और सदाचार के प्रतिकूल थी। बुद्ध का अहिंसा मार्ग भी उनके सिद्धांतों के विपरीत था। इसलिए राजपूत राजाओं ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया और बौद्ध धर्म का विरोध किया। तो ये बौद्ध धर्म के पतन के कुछ मेन कारण थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।